वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज की इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम, जो रायपुर के काफ़ी करीब हैं और यहां से करीब 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। और मैं जा रहा हूं, मेरा साथ मेरा छोटा भाई भी जा रहा है। तो अभी टाइमिंग हो रहा है 5:30, तो चले चलते हैं, आपको भी दिखाएंगे स्टेडियम। यहाँ पर टिकट भी मौजूद है हमारे पास, तो चले चलते हैं आगे, आपको दिखाएंगे। बने रहे ब्लॉग पर, कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। तो दोस्तों जाने के लिए रेडी हो चुके हैं और मैं अपने फ्रेंड का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो आएंगे और जस्ट हम लोग चलेंगे, है ना। तो ये भुवनेश्वर कुमार और ये है महेश कुमार, जो हमारे गाँव से लगभग, इसका गाँव 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर हैं और अभी हम लोग निकलने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो चलेंगे, अभी टाइमिंग हो रहा है 5:40, अभी हम लोग जल्दी निकलेंगे। तो बने रहे ब्लॉग पर, कंटिन्यू करते हैं आगे का ब्लॉग। तो फ्रेंड्स ये हम पहुंच गए विकास के घर, हमारा दोस्त है। कौन? दुर्गेश। दुर्गेश है, चलो ठीक है। तो दोस्तों अभी शाम के 6:30 हो चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर लखोली नाम का गांव पे। और इससे अब जो अपना स्टेडियम का दूरी है वो करीब 10 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा दोस्तों। तो अब यहाँ पर कुछ खाने वाने को मन कर रहा है, क्योंकि अब वहाँ पर जाएंगे तो खाने को तो नहीं मिलेगा यहाँ पर। इससे अच्छा यहाँ कुछ खाना वाना वगैरह खा के हम लोग वहाँ पर निकलेंगे स्टेडियम, उसके बाद इंजॉयमेंट करेंगे। तो बने रहिए ब्लॉग पर, कंटिन्यू करते हैं आगे का ब्लॉग। जितना भी खाना वगैरह खाना था, नाश्ता वगैरह करना था, वो कर लिए हम लोग, है ना। अब इसके बाद होटल वगैरह नहीं मिलेगा, तो अब इसके बाद हम लोग निकलने वाले हैं, अब जाने वाले हैं। और मेरे साथ है साथी जो अभी वहीं पर है, और इसको तो आप जानते हो, महेश कुमार, ठीक है। तो बने रहे ब्लॉग पर, कंटिन्यू करते हैं आगे का। गाड़ी को पार कर रहे हैं और अपना गाड़ी को फुल अपना शोल्डर से आगे बता के
तो दोस्तों जैसा कि हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेडियम में, ठीक है, वो आप देख सकते हैं वहां पर है, और गाड़ी वगैरह पार्क किए। मेरे साथ है विकास और उमेश, ये सभी हमारे दोस्त है ना। अब सभी हम लोग अंदर जाने को रेडी हो चुके हैं। अब जल्दी से हम लोग स्टेडियम जाएंगे, आपको बैक कैमरे से करके मैं दिखाऊंगा वहाँ का सीन। ये आप देख सकते हैं, ये है स्टेडियम। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। और ये है दुर्गेश जो काफी स्पीड में अभी बाइक चलाकर आए हैं। तो दोस्तों ये भैया हमको बोले हैं कि इंडिया का मान रखने के लिए थोड़ा सा ये टैटू लगाया है, जो बहुत ही अच्छा टैटू बनाते हैं भैया। एक बार मिलिएगा, आइएगा रायपुर तो इनसे जरूर मिलेगा, ठीक है। तो बने रहेंगे ब्लॉग पर, कंटिन्यू करते हैं आगे का ब्लॉग, आगे आपको दिखाएंगे स्टेडियम। तो गाड़ी पार्किंग के लिए भी टिकट कटा रहा है, गाड़ी के लिए भी टिकट लगता है है ना, कैसे विकास है ना। तो कैसे चलेंगे? चलेंगे, चलते हैं ना भाई। तो ये है महेश और ये है भुवनेश्वर, ठीक है। तो बहुत ही इंजॉयमेंट कर रहे हैं अपन, है ना, और चलते हैं आप स्टेडियम। ये टैटू कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तो निकल चुके हैं जाने के लिए, कुछ ही देर बाद पहुंच जाएंगे। अभी टाइमिंग हो रहा है 7:53, है ना। तो थोड़ा काफी लेट हो चुके हैं हम लोग, 1 घंटा करीबन लेट हो चुके हैं, है ना। और इसी तरह एंजॉयमेंट करते रहेंगे हम लोग। तो फिर चलते हैं आगे, क्या होता है देखते हैं, है ना। तो ये उमेश, ये है उमेश भैया, हमारे तुलसी ग्राम तुलसी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को, आगे है स्टेडियम। तो बने ब्लॉग पर, कंटिन्यू करते हैं आगे का ब्लॉग। तो स्टेडियम के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। अपने सीट के पास पहुंच चुके हैं, है ना, और बहुत ज्यादा मात्रा में भीड़ है, आप देख सकते हैं ऑडियंस को, है ना। तो फैंस, एक इनिंग पूरा लास्ट में खत्म हो चुका है, दूसरा राउंड के लिए अब आएंगे बैट्समैन, है ना। तो ब्लॉग बहुत बढ़िया लग रहा होगा शायद, कमेंट करके जरूर बताना, है ना। तो बने रहो ब्लॉग पर, कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग, सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना, ठीक है। कैसे भैया क्या बोलते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करना और शेयर जरूर करें, शेयर जरूर करें। ये है विकास, देख सकते हैं टैटू, लाइक करें अच्छे तरह से।
तो दोस्तों मैच जो है खत्म होने को है, मात्र 2 रन बचा है। अभी श्रीलंका बैटिंग पर है और शायद जीतने ही वाला है। और यहाँ पर श्रीलंका जीत चुका है, आप देख सकते हैं अपना जो इसी के साथ श्रीलंका का जीत। अब श्रीलंका मैच जीत कर फाइनल में पहुंच चुके हैं और उसके बाद इंडिया का मैच है 21 तारीख को। श्रीलंका जो है अब इंडिया के साथ अब मैच खेलेगा फाइनल मैच, उसके बाद देखेंगे कौन जीतेगा और कौन हारेगा। उम्मीद करता हूं आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, आज का बहुत इंजॉयमेंट किए, मजा आया हमको। तो दोस्तों मैच पूरा इन होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर जा रहे हैं ना। तो दोस्तों मैच पूरा खत्म हो चुका है और हम लोग अब घर के लिए निकलने वाले हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी जरूर कर देना अपने फ्रेंड के साथ। और आइएगा यहाँ पर रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम, जरूर आइए। और जो जो लोग आ चुके हैं वो लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।